सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। प्रदेश में मिलावट को लेकर भले ही बीते दिनों मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जगह जगह कार्रवाई हुई, लेकिन समय के साथ साथ माहौल बदला और एक बार फिर नकली दूध के कारोबारियों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। इसी का एक जीता जागता उदाहरण चंबल के मुरैना जिले में देखने को मिली, जहां एक कारोबारी के द्वारा बिना खौफ के नकली दूध बनाने का जखीरा भारी मात्रा में रखा हुआ था। सूचना मिलने के बाद सिटी कोतवाली टीआई खाद्य विभाग की टीम और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गए और संचालक के खिलाफ कार्रवाई जारी कर दी। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पुनाली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित एक गोदाम में रखे भारी मात्रा में सामग्री जब्त की गई। पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में संचालित राम सहाय शर्मा के पिंडा वाली पर रविवार की दोपहर छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान गोदाम में मिलावटी दूध बनाने का केमिकल और अन्य सामग्री बरामद की गई। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तहसीलदार और कोतवाली टीआई के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। रविवार की दोपहर मुखबिर की सूचना पर टीआई कोतवाली ने मई टीम के साथ छापेमारी कार्रवाई की। केमिकल संचालक राम साहेब पर करीब 2 साल पहले भी कार्रवाई की गई थी। उसके बाद भी जहर बेचने का कारोबार धड़ल्ले से करता रहा, लेकिन आज पुलिस के हत्थे फिर चढ़ गया। बताया जाता है कि नकली दूध बनाने का कारोबार कई दिनों से संचालित था, लेकिन पुलिस की नजरों से बचकर इधर उधर माल की सप्लाई करता था। अब देखना होगा कि जहर बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, या फिर जहर बेचने वालों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल एकत्रित कर लैब में भेज दिया है। मुरैना से आशीष डंडोतिया की रिपोर्ट। एक मामला सामने आया है, चोरी और हेराफेरी का पूरा मामला है। इसमें जो है लगभग 4 बजे मुझे बताया गया कि यहाँ उसके मालखाने का जो ताला ब्रेकअप हुआ है और राइफल गायब हैं और 150 काठी गायब हैं, ऐसा संबंधित जो चौकी के आरक्षक थे उनके द्वारा कंट्रोल रूम को बताया गया और थाना प्रभारी यहाँ उपस्थित थे, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे राइफल गायब हैं यहाँ से और कुछ काठी गायब हैं और उसका ताला जो है उसका मालखाने का टूटा हुआ है। इस पर से तत्काल हमने एफ एस एल की पार्टी और हम और एफ सी साहब के लिए सरकारी लोग और थाना प्रभारी यहाँ दिल्ली और सिविल लाइन थाना प्रभारी सभी लोग आए, मौके का मुआयना किया तो देखा उस कमरे में जहाँ आरक्षक जो है सोते हैं उसमें जो है राइफल रखी हुई थी और काफ़ी मात्रा में काठी भी आंगन में पड़े हुए हैं। वैसे प्रथम दृष्टया देख रहे हैं कि कितने यहाँ काठी दिए गए थे और कितने काठी अभी हैं, आखिरकार क्या माजरा है इसमें प्रथम दृष्टया उसका बारीकी से जांच की जा रही है। चोरी की घटना जो बताई गई थी वैसी प्रथम दृष्टया नहीं लग रही है, मामला अभी जो है प्रारंभिक जांच में है और कुछ होगा डिटेल में तो बताएंगे। सर दोषियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई इसमें? जो कस्टोडियन चूँकि दोनों हमारे आरक्षक हैं, उनकी क्या भूमिका रही है इसमें, उनको सेफ्टी करने में जो यहाँ मौजूद थे उनको मालूम है, राइफल उनके कमरे में ही रखी हुई हैं। थाना प्रभारी के द्वारा भी रिपोर्टिंग की गई तो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उनका कहना था कि गेट जो है चैनल खुला नहीं था, फिंगरप्रिंट और डॉग आया उसके बाद जो उसकी तलाशी ली कमरे में तो राइफल पड़ी हुई थी, राइफल रखी हुई थी और कार्टिज भी वहाँ पर कुछ मिले हैं। सर कितने कारतूस गायब हैं क्या कुछ पता? अब ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि इनको कितने इशू हुए थे थाने से, कब कब ऐसा, क्योंकि चौकी प्रभारी जो यहाँ था उसके भी गांव में कहीं जो क्या है ये जो है यहाँ चौकी पर 2 आरक्षक हैं अभी और एक चौकी प्रभारी हैं, उनका अभी उपचार चल रहा था। रात्रि में करीबन 4-4:30 बजे के लगभग इन्होंने बताया कि यहाँ राइफल जो मिसप्लेस हैं और एक कुंडली जो टूटी हुई है, तो कुछ कार्टिज भी हैं वो ही जो है नहीं है उसमें। तत्काल जो है टीआई अपने जो है दिमनी और हम लोग जो यहाँ आए जब देखा और उसके बाद जो बाहर से जो अपना डॉग वगैरह ये सब दिखवाया, अंदर जो है राइफल उसी जो आरक्षक जो सोता है उसी के कमरे में राइफल रखी हुई है और कार्टिज भी कुछ पड़े हुए हैं, उनका मिलान कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया चोरी हुई है अथवा नहीं हुई है इंटरनल मैटर है। इन्होंने जो रिपोर्टिंग की है उसमें कैसे रिपोर्टिंग की कि जब राइफल उसके कमरे में रखी थी पहले अपने यहाँ परिसर में देख लेना चाहिए था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं स्वयं पुलिस अधीक्षक बाकी सब हमारे सीनियर अधिकारी हैं CSP और TI उनको भी यहाँ मौके पर लगाया था। तो अभी प्रारंभिक जाँच चल रही है कि आखिरकार क्या था, ये घटना हुई है
अथवा कैसी है सब इंटरनल जो चीज़ें हैं सर? अभी तक कितनी राइफल गायब होने का पता चला सर? गायब नहीं हुई है, राइफल वहीं रखी हुई है। उन्होंने जो रिपोर्टिंग की थी कि राइफल जो है यहाँ से गायब है, चोरी हो गई है, ताला तोड़ दिया है, तो ये रिपोर्टिंग की जो बात 4:30 बजे पता चली थी। तो अभी जो है दिखवाया, सर्च करवाया राइफल, अभी उसमें फिंगरप्रिंट वगैरह सब जो करा रहे हैं, कार्रवाई देख रहे हैं उसमें वेरिफिकेशन में क्या है, कार्टिज कितने हैं यहाँ पे, कितने इशू हुए हैं, कितने पड़े हुए हैं, 30 के लगभग कार्टिज हैं यहाँ पे। और जो है राइफल दो हैं वो अभी उसी के आरक्षक जो रहता है उसके कमरे में ही रखी हुई हैं। तो ऐसी कोई प्रथम दृष्टया ऐसी घटना कि राइफल चली गई है ऐसा, और ये अपना जिस कमरे में रखी रहती हैं उसकी कुंडी जो है नीचे से टूटी हुई है, ये सब बारीकी से उसका इन्फेक्ट कर रहे हैं निरीक्षण। जैसी स्थिति होगी कि क्या घटनाक्रम है, अगर थेफ्ट होगी या वो होता तो राइफल कमरे में नहीं मिलती। चोर कहाँ से आया, किस प्रकार से हो गई? अभी चोर आया है तो राइफल छोड़ के क्यों गया? बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं इसमें, बारीकी से अभी जो काम चल रहा है कि राइफल चोरी गई नहीं है, राइफल वहीं रखी हुई है उसी के कमरे में, उसी के बेड के पास में। तो उसने रिपोर्टिंग कैसे की है और क्या है ये सब जो है अभी